गाइस यहाँ पे जो है काफी हद तक सर्दी हो गई है, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है क्योंकि इस टाइम जो है हम पहाड़ी की चोटी पे हैं। मैं अगर तो सारा दिन एक्साइटेड और ये मजा एक्साइटेड। यहाँ से जी ये पूरे इस्लामाबाद का व्यू दिखाई देगा। आप जो है यहाँ पे खड़े हो जाओ और गाड़ियाँ काउंट करो। साहब क्या कहना चाहोगे? ऊपर से गाड़ियाँ गिनते हो यार। कितनी गाड़ियाँ? सबसे 150 करोड़ तो मैंने आधे से आधे रस्ते से गिना है। वैल्यू 150 करोड़? 150 करोड़ की सिर्फ गाड़ियों की बता रहा हूँ, अभी तो पता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? वीडियो के थंबनेल से तो आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि हमारी आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने जा रही है। बहरहाल हम लोग जो है इस टाइम दामने को, बहुत ही प्यारा इलाका है इस्लामाबाद में, हिल टॉप है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे जो है आज हम अपनी अफ्तारी करेंगे। हेलो भाईजान, रुको अपनी बात सुनो, पहले वीडियो कहाँ से स्टार्ट किया? फ्लैश बैक तो दिखाओ ना यार। यहीं से स्टार्ट करनी है ना, और क्या करना है? तो फ्लैश बैक दिखाओ ना, जो फ्लैशबैक दिखाओ। तो चलिए हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और रस्ते में हमने क्या कुछ किया, तो देखिए फ्लैशबैक। कोयले हैं? जी हैं। कितने? 1 किलो। किस तरह? 170 और भाई यूरोप से चार किलो कोयले। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह किलो है कुकड़ी? 420। गोश्त? 450। यार आधा किलो गोश्त कर दो। वालेकुम सलाम। सुनाओ, पहुँचने वाले हैं? खान साहब अभी हम रास्ते में, बस 5-1 मिनट तक आपके पास पहुँचेंगे। आप कहाँ पे हो? यार कैसे से आपने मुझे स्टॉप पे गाना कर रखा है यार। बस पहुँच रहे हैं, 5 मिनट और, बस 5 मिनट वेट करो। चलो ठीक है, जल्दी आओ, मैं इधर खड़ा हूँ स्टॉप पे। ठीक है ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डिग्गी खोलो पहले। यार वो खान किधर है? खान नहीं है? खान की गाल आई थी, खान को भी रस्ते से उठाने, वो इंतजार कर रहा है, वो भी घंटा हो गया वो खड़े, काफी आज लेट हो गए, तो चलें फिर। हाँ चलते हैं, खान को उठाओ फिर, टाइम ज्यादा हो गया। टाइम बहुत हो गया, आज लेट हो गए। चलो उठाओ उठाओ खान को। ये क्या हुआ है? ये बता दो, लंबी लंबी कहानी है ये। एक व्यूअर्स को बताओ ये क्या हुआ है। यार ये बाल गिर गए, बाल चेहरा कहते हैं इसे। अच्छा, तो अभी इसका दाम शाम करवाया, हल्दी लगाई। अच्छा, लो फिर खान की काल आ गई है, खान की काल आ गई है। खान जी, खान चल, देखो खा लिया, तू किधर है?
पुल के भीख मांग रहा है। कौन सा पुल? अच्छा ठीक है, पहुँचो यहाँ एक करिश फैक्ट्री वाले पुल के नीचे खड़े और अभी इधर से मार रहे हैं। A few moments later. वालेकुम सलाम। तूफान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी खान, तुझे आज बहुत इंतजार करना पड़ा। थोड़ा यार ज्यादा लेट कर रहा है, बैग पिछले को यार। चलो कोई बात नहीं, या 2:30 बजे का यहाँ आया था, 2:30 बजे का, 2:30 बजे का। अच्छा मुझे ये बताओ, फ्रूट लेना है, फ्रूट कहाँ से लेना है? जाना कहाँ गली दोगा? जाना है हमने पीर बाबा मंडी में, चले मंडी में चलते हैं, वहाँ से फ्रूट भी ले लेते हैं और रोटियाँ भी ले ली है। ठीक है क्यों चौधरी? वो यार मंडी में अंदर जाओगे फिर बाहर रहोगे ज्यादा टाइम गैप नहीं लगेगा। ऐसे ही बस बाहर जो खड़ी होती रही है वहाँ से ले लेते हैं, गाड़ी को आगे करो यहीं से ऊपर हो जाओ ले आओ। तो बस चलते हैं और वहाँ से जो है हम फ्रूट ले लेते हैं। अच्छा। रोटियाँ रस्ते से ले लेंगे और देखते हैं, साथ आज रमजान भी है कि फ्रूट का क्या रेट चल रहा है। ठीक है ठीक, चलते हैं, चलें फिर। अस्सलाम वालेकुम, केले किस तरह हैं जी? चलो दर्जन ही केला दे दो। दे यार ले लेंगे। चलो जी अब अमरूद लेते हैं। अमरूद किस तरह है जी? अमरूद हाँ जी, अमरूद 250 रुपए किलो। चलें याद है किलो डालने छोटे छोटे, बड़े नरम वाले डालने हम, बस छोटे डाल दें बस। चलो ठीक है, कितने हो गए? 120 हो गए। मतलब नहीं चलता है ये, नहीं चलता लो जी। हेलो पकड़ ये। 400 रुपए किलो चौधरी। 400 आधा किलो। हाँ आधा किलो। आठ रोटियाँ भी होगी। कितने हो गए भाई? 200 रुपए। अच्छा ये पकड़े हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है और यहाँ पे इस टाइम मौसम काफी ठंडा हो चुका है। और यार आज मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं है, कल से बुखार था और सर में भी दर्द हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है रमजान चल रहा है, रमजान में हमने कोई वीडियो नहीं डाली, ये हमारा रमजान का पहला व्लॉग है। तो हम सब की तरफ से आप सभी को रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। तो ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पे, शायद कैमरे में क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे ये नीचे जो है गांव है, विलेज है, विलेज। और ये जो रोड है ना, इस रोड पे अभी जो है नीचे तक, जो नीचे पॉइंट है जहाँ से मरगला हिल स्टार्ट होती है, वहाँ तक इस रोड पे लोग ही लोग होंगे। चलिए फिर अभी जो है ये अफ्तारी के लिए सामान वगैरह लगाया जा रहा है। और खान तू क्या कर रहा है? बस मैं यार बर्तन धो रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ सामान सामून, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से।
वो जैसा कि व्यूअर आपको पता है कि मेरी आंखें बंद होने वाली है, इससे पहले कि मैं भूखा रह जाऊं। ओ जा ओ दन पतन पतना दना दनना ओ सी टाट जग गया। हेलो ठीक है फाइनली व्यूवर्स, हमारा दस्तरखान रेडी है और मेरी एनर्जी तो बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि यार सर में दर्द है, बीपी थोड़ा सा लो है और कल से की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बहरहाल हसन भाई ने बड़ी मेहनत की है, इसने आग शाग जला ली है और जो है ना ऑलमोस्ट हमारा चिकन भी रेडी है और इसके साथ साथ जो है क्रेडिट हसन क्यों जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये है जी हमारा दस्तरखान, पकौड़े हैं, कुछ फ्रूट है, इसमें समोसे हैं, चाट दिखाओ जी, चाट दिस इज समोसा दिस इज ठंडे ठंडा फील हो रहा है, ठंड फील हो रहा है। हाँ हसन कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है, ठंड थी लेकिन आग की वजह से जरा ठंड खत्म होगी। चलो आज आप अफ्तारी कर लो। तो चलिए जी अफ्तारी का टाइम हुआ जा रहा है, अभी जो है हम लोग अफ्तारी करते हैं। अगर आप लोगों ने भी अफ्तारी करनी है तो आ जाए हमारे साथ। बैठेगा और ज़्यादा ट्रकअप दे रहा होगा A few moments later. कैसा बस मैं तू आज शाम हसीन हो गई है देखने में ना कि लें जी। माशाल्लाह से खान साहब की जो है चिकन तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है। तो अगर आप लोगों ने भी खानी है तो आ जाएं, ये जो हमारे खान साहब हैं ये कल प्रोफेशनल शेफ हैं। हाँ खान कैसी है? अपने वो आप यहाँ बिल्कुल नहीं बनते ना, बहुत ही मजे का यार। हाँ हसन मज़ा अभी तक खाएंगे तो पता चलेगा। हाँ ना चलो चेक करते हैं। हाँ फीडबैक दे। गाइज यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक सर्दी हो गई है, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है क्योंकि इस टाइम जो है हम पहाड़ी की चोटी पे हैं जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। मैं आपको खाना खा के जो है राउंड अबाउट दिखाता हूँ और इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इस्लामाबाद की नाइट लाइफ भी आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए फिर हम खाना खा लें, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओ यार मज़ा आ गया खान, छा गया। फाइनली जी खाना खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया है और अभी जो है बच्चा लोग कह रहे हैं कि चाय बना के दो बॉस, आप चाय अच्छी सी बनाते हो। चाय रखी है, वही जो कोयले थे अभी भी इनकी जो है हीटनेस बहुत तेज़ है, इन्हीं कोयलों पे जो है अभी चाय बनाता हूँ। पानी डाल दिया है और ये रहा दूध, ये हो गया दूध और बाकी की चीज़ें भी हैं, सब कुछ पता ही आपको हम लेके आते होते हैं जब भी इस तरह की आउटिंग पे आए। इस तरह की आउटिंग का एक अपना ही मज़ा होता है। तो चलिए फिर अभी चाय वगैरह बन जाए पीते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वापसी के लिए निकलते हैं। हाँ भाई सब क्या हो रही है? बस ये चाय बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप लोगों को मैं चाय पिलाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त कड़क चाय है। चाय आप लोगों ने भी पीनी है तो आ जाओ। एक भाई साहब तो थक हार के गाड़ी में जाके बैठ गए। ओए भाई कर
अल्लाह ओए बाहर निकल। यार मैं थोड़ा आराम कर रहा था। आजा आजा तेरा आराम मैं बर्बाद कर दूं। हाँ जी खान कैसी है चाय? मजे की है यार। चाय सही है? बहुत आज सारी माशाल्लाह पूरा दिन बहुत मजे का गुजरा है। मजा आ गया। उफ, एंड है। हाँ जी भाई साहब मैं कर तू सारा दिन एक साइड पे और ये मजा एक साइड पे चाय वाला। हाँ छोटे मजा बहुत मजा आ रहा है। अभी जी ये देख लें कितना कुछ जो है आसमान सारा बिखरा हुआ पड़ा है। बस अभी चाय शाय पी के समेटते हैं और निकलने वाली करते हैं। और ये जो थोड़े बहुत कोयले हैं बचे हुए हैं मतलब जल तो रहे हैं इन पे अभी जो है हम पानी डाल देंगे ताकि ये प्रॉपरली जो है ना प्रॉपरली जो है ठंडे हो जाएं। चौधरी पानी लेके आए जो कोयले हैं ना इन पे पानी गिरा दो ताकि कोई इशू ना बने। इन पे पानी डाल दो। हाँ सही है ठीक करके पानी डाल दे। सही है चलो ज़बरदस्त हो गया। और पानी भी डाल देना इस पर ठीक है। तो चलिए जी फिर अभी जो है आसमान वगैरह समेटते हैं और चलते हैं वापस नीचे की तरफ। नीचे देखते हैं कि अगर कोई आवाम वगैरह बैठी हुई है तो वहाँ का क्या माहौल है नीचे का भी। यहाँ से जी ये पूरे इस्लामाबाद का व्यू दिखाई देगा। अब कैमरे की आंख में कैसा दिखाई दे रहा है ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, लेकिन फुल लाइटिंग ही लाइटिंग है। अगर आप रियल आंख से देखो बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है। और ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियों की लाइनें हैं और आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम है। आप जो है यहाँ पे खड़े हो जाओ और गाड़ियाँ काउंट करो। हाँ चौधरी साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ यार मैं ऊपर से गाड़ियाँ गिनते हुए आ रहा हूँ। कितनी गाड़ियाँ? सबसे 150 करोड़ तो मैंने आधे मतलब आधे से आधे रास्ते से गिना है। वैल्यू 150 करोड़? 150 करोड़ की सिर्फ गाड़ियों की बता रहा हूँ। अभी तो पता लोगों के पास क्या क्या चीज़ है जेवर का हिसाब अलग है। लोग कहते हैं पाकिस्तानी सिर्फ इस्लामाबाद का। अच्छा तो चलो जी देखो कितना रश है कितनी आवाम है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। क्यों हसन कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। वहाँ चले काली गाड़ी के पास। चलो जी अब आप लोग भी थोड़ी सी गाड़ियाँ काउंट करो। हाँ लाइन चेक कर गाड़ियों की। ये जो गाड़ियों में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना ये बिना कट के हैं नॉन स्टॉप। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और गाड़ियाँ उतर रही हैं। इतनी यहाँ पे जो है आवाम आती है। क्यों हसन रुक जा। यहाँ पे खड़े खड़े जी मुझे तो चक्कर आने लग पड़े हैं। इससे पहले कि मैं यहाँ से गिरूँ तो चलते हैं वापस। और यहाँ पे आप मेरे बैग पे भी देखें गाड़ियों की पूरी लाइन लगी हुई है। इस साइड से आ रही हैं और इधर से घूम के इधर हटे इधर से घूम के यहाँ से ये गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं। तो बहरहाल जी इस्लामाबाद में तो गाड़ियों की कमी नहीं है। इस्लामाबाद क्या पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों की कमी नहीं है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थम्स अप लाइक सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।